क्योंकि आप डॉगमेटिक सोच रहे हैं कि वो हमारा दुश्मन है उमरगैंथो तो ने कहा था ना कि पाकिस्तान को यूनाइट ही एक चीज़ करती है हेटरेड फॉर द हिंदू इसके अलावा कुछ कॉमन ही नहीं है पश्तून बलोच गिलगी पंजाबी सिंधी सब अलग हैं उनके पास कॉमन ग्राउंड ये था हमें हिंदू से अलग कमरे में बंद कर दो सोशल कॉन्ट्रैक्ट ये था आपका दो कौमी नज़रिया जो सेवनटी में फ्लॉप हो गया आपके अपने फिफ्टी मुसलमान भाइयों ने कहा कि हमारी जान छोड़ दें नहीं काम आया ना आपका ये जो बाइंडिंग ग्लू बनाई थी आपने तो खैर वो वहाँ पर फिर आपने उनको सपोर्ट किया इसलिए कि हिंदुस्तान के वो अगेंस्ट हैं अब वो हिंदुस्तान से भी डील कर रहे हैं फिर आप उन्हें कहते हैं टीटीपी को मारो तो वो क्यों नहीं मार सकते क्योंकि टीटीपी और वहाँ पर ईस्ट तुर्किस्तान मूवमेंट भी है जो चीन को मारती है वो, वो मिल जाएंगे और तीसरा जो दाइश खुरासान है आई एस खुरासान एक और ग्रुप है वो तीनों अगर इकट्ठे हो गए तो अफ़गान तालिबान की अपनी रजिम जा सकती है तो अब वो कहते हैं कि भाई अब तुम्हारी बात माने तो हमारा अपना काम धंधा बंद हो जाएगा ये आपको नजर नहीं आया कोई एक बच्चा यहाँ डॉन का आर्टिकल पढ़े ना तो उसको समझ आ जाएगी बात की ये जो इस्लाम में बैठे हैं इन्हें समझ नहीं आई और इन्होंने कहा नहीं 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 ये हमारे भाई हैं तो अब आप तरले करते हैं उनके कि वहाँ अटैक करें उनके हाइड आउट्स पर वो कहते हैं नहीं कर सकते भाई हमें मारेंगे वो तो आप भोकते हैं उस चीज उसी, ये उसी तरह की कॉम्पलिकेटेड सिचुएशन है जो इराक में एक टाइम पे हो गई थी कि करदिश वाला अलग फ्रंट था जी जी दाइश वाला अलग था फिर कहीं पे किसी के साथ थे थे कहीं पे किसी के खिलाफ थे, वो एक बड़ी मिक्स खिचड़ी थी बहुत मुश्किल होती है, है। थी। जी जी क्योंकि देखे ना ये यहाँ पर एक रूल होता है इस तरह से और वो एप्सुलूट के होता है जिसकी लॉटरी लग गई जिसको काबुल मिल गया तो उसकी मौजा ही मौजें हैं सारी तो बड़ा आसान होता है इन दी एबसेंस ऑफ स्टेट पावर जो है ना उसको अचीव कर लेना तो एक तो इसकी रिसर्जेंस होगी जो नज़र आ रही है इस डेकेड में टेररिज्म बड़ा चैलेंज नंबर वन नंबर टू इज़ इकोनॉमिक चैलेंज ऑब्वियसली बिकॉज अगले साल सीधा डिफॉल्ट दिखाई दे रहा है हर बाय ऑल एस्टिमेट्स वी आर गोइंग टू करम्बल इकोनॉमिकली क्योंकि हमारे पास वो अल्टरनेटिव इंडस्ट्री नहीं है जिससे डॉलर बाहर से यहाँ पे आएगा सेवेंटी वन में थी वो आधा हो गया वहाँ से बुट्टो साहब ने कहा आप सारे मिडल ईस्ट जाओ नौकरियाँ करो मकैनिक बनो वॉशरूम साफ़ करो वहाँ जाके तो हमारी जो लेबर है वो अनस्किल्ड है आप तो सबसे ज़्यादा देख के आए होंगे बाहर के हमें क्या आता है जो हम प्रोडक्ट भेजते हैं बाहर बिल्कुल अनस्किल्ड है उसको किसी चीज़ का नहीं पता पिछले साल सात लाख बच्चे गए हैं इवन ग्रेजुएट्स मैंने देखे हैं उन्हें नहीं पता होता कि एक ऐसे कैसे लिखना है एम फिल किया होता है दो लाइनें लिखनी नहीं आती क्योंकि एजुकेशन सिस्टम से निकलना इतना आसान है कि वो पेपर पास करना मुश्किल है कि प्लेजरिज्म चेक नहीं होता यूनिवर्सिटीज़ में यहाँ पर परवेशूद साहब ने इस पर बहुत काम किया हुआ है कि ऐसे प्रोफेसर बैठे हुए हैं साल में तीन किताबें छपवा रहे हैं वो भाई रोज़ एक लिख रहा है तू क्या कर रहा है कहाँ से आ रहा है वो लेकिन वो लिखी जा रहे हैं पेपर पब्लिश हो रहे हैं ये हो रहा है पता ही नहीं किसी को कि ऑरिजनैलिटी क्या है ऑथेंटिसिटी क्या है तो एजुकेशन में भी माफियाज़ बैठे हुए हैं तो एक इकोनॉमी इज़ अ चैलेंज टैररिज्म इज़ अ चैलेंज एंड पोलिटिकल इंस्टेबिलिटी क्योंकि इस्टेबलिशमेंट ने जो एक्सपेरिमेंट किए हैं इस टाइम गले का फंदा बन चुके हैं उनके तो अब समझ नहीं आ रही कि इसको डील कैसे करना है तो ये तीनों चैलेंज हैं और ये इसके अलावा बचता ही नहीं कुछ मुल्क में तो सब सभी चैलेंज है मेरा ख्याल है हाँ। अगर आपने एक लिप इंजॉय किया तो पूरी वीडियो देखने के लिए कमेंट पर दिए गए लिंक पर क्लिक कीजिए और मेरे मेन चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा कर, ताकि आपको वक्त के साथ साथ अपडेट्स मिलती रहे बहुत शुक्रिया